हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वायरल झोमंसी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया था कि देखिए इस बार एक वीडियो और बना दीजिए, वॉल स्ट्रीट गेम्स WSG। देखिए इसमें इसके प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में जानेंगे। क्या ये 1 रुपया हिट कर सकता है, हमको करोड़पति बना सकता है, हमको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लेटेस्ट अपडेट, सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इस वीडियो को देखें, और जो इसको बाई करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो में आइए चलते हैं, प्राइस की बात करते हैं। तो 8x022 की सीरीज में WSG स्ट्रीट गेम WSG का प्राइस चल रहा था। रैंक की बात करें तो 2000 से ज़्यादा की 2091 इसकी रैंक थी। मार्केट कैप की बात करें तो 9,52,000 के आसपास इसकी मार्केट कैप थी। अवेलेबल सप्लाई इसकी 425 ट्रिलियन और टोटल सप्लाई इसकी 1000 ट्रिलियन थी। ठीक है, ATH की बात करते हैं तो ATH इसका 6x033 की सीरीज का इसका ATH है। ठीक है, अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो इसको get.io, MXC से, लेट टोकन से, हॉटबिट से, यहां से आप बाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो 119 के फॉलोअर्स इसके ट्विटर पे हो गए हैं, और इसकी जो कम्युनिटी है वहां पर लगातार ग्रो होती जा रही है। देखिए ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में देखिए कि जो स्ट्रांग होते हैं, सप्लाई कम होती है, वो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट और अपना बेस अमाउंट निकालना बहुत जरूरी होता है। आगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, थोड़ा इसकी टोकोनॉमिक्स के बारे में। तो टोकोनॉमिक्स में देखिए इसने कितनी सप्लाई अपनी कहाँ कहाँ ले रखी है। देखिए लिक्विडिटी 10% है, ठीक है, फाउंडेशन के लिए इन्होंने 15% ले रखा है, रिवार्ड्स के लिए इन्होंने 30 है, और इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने 13.50 ले रखा है अपनी सप्लाई, मार्केटिंग के लिए उन्होंने 31.50% ले रखा है। देखिए WSG क्या है, WSG इज द नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड ब्लॉकचेन बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखिए इसके 2022 की रोड मैप की बात करेंगे, तो वहां पर जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उसमें मैंने टारगेट आपको प्राइस प्रिडिक्शन डिफरेंस दिया था। हालांकि अभी 3 महीने बीतने जा रहे हैं और इसका अभी 2023 का रोड मैप अभी कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे नहीं देखने को मिला है, तो सिनारियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं, इसमें NFT भी है, प्ले टू अर्न है, पार्टनरशिप भी इसकी होती रहती है, गेमिंग है, और इसकी लेटेस्ट बात करें तो इसकी एल्बम भी रिलीज हो रही है, और मिल्की वे डेफी के साथ भी इसकी पार्टनरशिप भी हुई है। तो ठीक है, NFT है इसमें, प्ले टू अर्न है, ब्लॉकचेन बेस्ड हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है गेमिंग का, वो सारी चीज़ें सही हैं। अब देखिए क्या 1 रुपये जा सकता है, क्या हमको करोड़पति बना सकता है। तो मेरे भाइयों इतना ध्यान रखिएगा, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। 1 रुपये जाने की अभी कैपेसिटी ये कहीं से भी नहीं रखता है। मैंने कई वीडियो देखी थी उसमें लोग 1 रुपये का टारगेट बता रहे थे, तो 1 रुपये बिल्कुल भी जाना संभव नहीं है, सीधी भाषा में समझ लीजिए। प्राइस प्रिडिक्शन भी जानेंगे कर, अब ये जानते हैं करोड़पति बनाएगा, करोड़पति नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है भाइयों। लेकिन आप अगर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं $5 से $10 का, तो आने वाले समय में ये आपके पैसे अच्छे खासे आपको प्रॉफिट दे सकता है। स्ट्रेटजी आप इसमें यही अपनाइए। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें आपने $5 से $10 लगाए अपनी रिसर्च से अगर आपका मन है, तो वो डॉलर आपके निकल गए, आपने कुछ प्रॉफिट लेके अमाउंट बेचा तो आपके $10 निकल गए, बाकी हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड के लिए पड़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट बुलेट में प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं, अभी इसका करंट सिनेरियो जानते हैं। तो इसका अभी कॉइन वही मार्केट कैप पे, मैंने इसका व्हाइट पेपर चेक किया है, तो अभी 2022 का अपडेटेड है, 2023 का अभी नहीं आया है ना। और इसकी बात करते हैं और कि प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। देखिए प्राइस प्रिडिक्शन आपको यहां पर मैं कह रहा हूं कि इसकी सप्लाई को देखते हुए, सारे सिनारियों को देखते हुए, इसका जो मैं टारगेट देना चाहूंगा वो इसके ATH के आसपास का। पहले मैंने डिफरेंट टारगेट दिया था लेकिन इसमें कोई अपडेट नहीं देखने को मिली है, तो यही इसका टारगेट बढ़िया। अगर यहां पर आप एंट्री बनाते हैं, अभी पंप पे चल रहा था, यहां पर आप एंट्री बनाएंगे तो ठीक है, थोड़ी सी नीचे पे, अगर ये अभी डाउन पे जाने दीजिए, 8% पंप पे चल रहा था, ये ऊपर था, ये डाउन जाता है। अगर आप रिसर्च से इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए इसमें $10 की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, और इसने अच्छा खासा पंप दिखाया, इसकी मेजर अपडेट्स आई, ठीक है, तो आप अपना बेस अमाउंट $10 से लेके निकाल सकते हैं,
बाकी जो अमाउंट आपका, जैसे मान लीजिए 20-25 डॉलर हो जाता है, तो बाकी अमाउंट आप वहां पर पड़ा रहने दीजिए। सीधी सी आपको इस कॉइन में यही स्ट्रेटजी अभी अपनानी है, और आगे जब इसकी और अपडेट आती रहेंगी तो मैं इसका सिनारियो आप लोगों के लिए क्लियर करता रहूंगा। लेकिन अभी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च से ही करिएगा, यही स्ट्रेटजी यही तरीका आप अपनाइएगा, ठीक है। बेस अमाउंट निकालना है, जैसे ही हमारा 10 का 15 हो, ठीक है, 20 हो, तो उसके बाद में आपको अपना बेस अमाउंट निकाल लेना है, बाकी अपना लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा रहने देना है, और 1 रुपए के चक्रों में नहीं पड़ना है। ETH के आसपास का टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें अपडेट्स आती रहेंगी तो ETH के आराम से ये पहुंच सकता है अपने ऑल टाइम हाई पे। तो ये कॉइन था द वॉल स्ट्रीट गेम WSG के बारे में। इसके बारे में मैंने लेटेस्ट अपडेट, 1 रुपए जा सकता है, करोड़पति वाली बात, प्रेडिक्शन, सारी जानकारी आपको शॉर्ट वीडियो में दे दी, ठीक है। टोकोनॉमिक्स जाना, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीजें हमने कवर करी। इसकी और अपडेट निकल के आएंगी, इसका सिनारियो अगर चेंज होता है तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट करा दूंगा। फिलहाल यही टारगेट आप रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी मेरे भाइयों, जय हिंद।